जहानाबाद में एक ससुर और दामाद के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस घटना के बाद पूरा सदर अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में बदल गया। ससुर के साथ साथ ससुराल के अन्य लोगों ने शख्स पर जमकर लात घूसों की बरसात कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ अस्पताल परिसर में मौजूद रही। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के नाका नंबर 1 का रहने वाला शख्स अपनी पत्नी से मिलने के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचा था। शख्स का ससुर अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंचा था। इसी दौरान दामाद को देख ससुर ने अपना आपा खो दिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। ससुर का आरोप था कि उसका दामाद उसकी बेटी के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता है और उसके साथ अक्सर मारपीट की घटना को अंजाम देता है। मारपीट की इस घटना के बाद सदर अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव कर रहे थे तो कुछ मारपीट का वीडियो बनाते नजर आए। इधर मारपीट की इस घटना की जानकारी मिलते ही सदर अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। दामाद आपका? हाँ, दामाद है। हमको कहाँ घर है? किशनपुर में घर है। ये बेटी के साथ मारपीट करता था? हाँ, बेटी का 5 बार 6 बार ये है। हॉस्पिटल में बेटी भर्ती है? भर्ती है, अभी भर्ती है हॉस्पिटल में। क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम है नीता देवी। आपका घर कहाँ हुआ? किशनपुर। इसका घर है जहानाबाद 1 नंबर चौकी पर। आपका क्या नाम है? अभय चौधरी। बेटी को बराबर मारपीट करता था? बहुत मारा है, जब से बाल बच्चा मिलकर मारा है। बाल बच्चा मिलकर मारता है जब ले तब। कहाँ शादी किए थे बेटी का जी? बेटी का शादी कहाँ किए हैं? जहानाबाद किए हैं सर। क्या नाम है आपका? अभय चौधरी।